इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ हुए हमले के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम संजय रॉय है। पीड़िता के साथ पिता की शिकायत के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज भी किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अस्पताल का बाहरी व्यक्ति था, लेकिन उसकी वहां पर स्वतंत्र रूप से आवाजाही थी। पिता के बयान दर्ज करने के बाद इस आरोपी को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को आज लाल बाजार ले जाया जा रहा है और उससे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि कल ही एक बड़ी खबर सामने आई थी, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से गहमा गहमी सामने आई है। तो कोलकाता में एक डरा देने वाली ये खबर कल पेश आई थी। रहस्यमय परिस्थितियों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक महिला डॉक्टर मृत पाई गई थी। वह अस्पताल के स्नातकोत्तर द्वितीय यानी कि सेकंड ईयर की मेडिकल छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उसका शव देखा। शव मिलने के बाद परिसर में तनाव फैल गया। कोलकाता पुलिस के उत्तर प्रभाग के उपायुक्त अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में एक पुलिस दल तुरंत ही मौके पर पहुंचा। इसके तुरंत बाद शहर के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल भी कल पहुंचे हुए थे और लगातार जांच पड़ताल शुरू कर दी। शरीर की स्थिति को देखकर उन्होंने रेप की आशंका जाहिर की है। देर शाम तक इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा चलता रहा। लगभग 10 घंटे के प्रदर्शन, धरने और बहस के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल इस मामले में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम संजय रॉय बताया जा रहा है। उसे लाल बाजार ले जाया जा रहा है पूछताछ के लिए। पास हो रहा है।